गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने इंग्लिश क्लास का चैप्टर फर्स्ट किया था ना, लेट्स टॉक। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। सब अपनी बुक्स खोल लीजिए, ठीक है, पेज नंबर 10 पर। चलो देखते हैं। टिक राइट द राइट आंसर। हमें इसमें से राइट आंसर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देयर इज अ डैश इन द बश। अच्छा आप बताओ, कल हमने देखा था, पढ़ा था ना, पूरी स्टोरी पढ़ी थी। बश में कौन था? बश का मतलब क्या बताया था मैंने? झाड़ी। तो आप बताओ झाड़ी में कौन था? किटन थी, यानी कैट का बेबी था, रैबिट था या पपी था? कौन था वहाँ पर? पपी था। क्या, कौन था? पपी था। तो आप सभी अपनी बुक में पपी पे टिक कर लीजिए। सेकंड है आपका, दैट इज डैश ट्री। यह कौन सा पेड़ है? जब हमने कल पढ़ा था तो वो कौन सा पेड़ था? मैंगो का ट्री था, एप्पल का ट्री था या बनाना का ट्री था? बताओ कौन सा ट्री था? एप्पल का, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, दोज आर डैश फ्रूट्स। वो कौन से फ्रूट्स हैं? कैसे फ्रूट्स थे वो? फ्रेश फ्रूट्स थे, स्टेल फ्रूट्स थे या रॉटन फ्रूट्स थे? बताओ कौन से फ्रूट्स थे? फ्रेश फ्रूट्स थे। स्टेल तो नहीं थे ना? जब वो ईरा अपनी मदर से पूछ रही थी कि मदर ये स्टेल फ्रूट है, यानी ये बासी फल है, तो उसकी मदर कहती है नो, दोज आर फ्रेश फ्रूट्स। तो वो कौन से फ्रूट्स थे? फ्रेश। तो हमें किस पे टिक करना है? फ्रेश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द डैश ट्विंकल ओनली एट नाइट। रात के समय क्या टिमटिमाते हैं? सन, मून, स्टार। स्टार, मून, सन, तो क्या इसमें रात के समय क्या टिमटिमा रहे थे? जो कल हमने चैप्टर 1 किया था, हमने पढ़ा था ना सबसे लास्ट पैराग्राफ में, स्टार्स। इसका आंसर क्या है? स्टार्स। तो आप सभी लोग इसको अपनी बुक जब ओपन करेंगे तो इसको ऐसे ऐसे टिक करेंगे जैसे मैंने लगाया। ये इनके आंसर्स है। पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि आपसे होते हैं या नहीं होते, क्योंकि आपने कल स्टोरी पढ़ी है, आप सभी को याद होगा।